نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل أُقدتم من لساني يفقهوا قولي هماري کا موضوع موزوه السلام عليكم نبي كرم صلى الله عليه وسلم كإرشاده तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते जब तक के मोमिन नहीं बनते और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करो मैं तुम्हें वो तदबीर क्यों ना बताऊं जिसको इख्तियार करके तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो वो है अफशुस सलाम अबैनकुम आपस में सलाम को रवाज दो तो। सलाम को आम करो सलाम फैलाओ सलाम करना अगरचे बजाहिर एक मामूली अमल नजर आता है लेकिन अगर गौर किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा राज है बाहम मुसलमानों में मोहब्बत पैदा करने का और बिल आखिर इस रास्ते से जन्नत तक पहुंचने का इसलिए हम सब इस सुन्नत को आम करने के लिए कोशिश करें ताकि हम उस दारुस सलाम यानी जन्नत तक पहुंच सके उस बुलंद मंजिल तक पहुंचने से पहले इस दुनिया में भी सलाम के बहुत से फायदे हैं इससे लोगों के दरमियान बाहम अजनबियत दूर होती है एक दूसरे का खौफ खत्म होता है किसी भी गुफ्तगू का आगाज बेहतरीन तरीके पर हो सकता है बेहतरीन कम्युनिकेशन का आगाज सलाम के जरिए हो सकता है कुरान पाक में अल्लाह सुबहान तला का इर्शाद है वो इजा तुम बेता जब तुमको सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या फिर उसी को लौटा दो गोया हर मुसलमान पर सलाम का जवाब देना लाजिम है सलाम का लफ्स अरबी जबान का लफ्स है जिसके माने हैं जाहरी और बातनी आफात से पाक और महफूज रहना सलामत रहना और सलामत रखना गोया जब एक शख्स दूसरे को असलाम कहता है तो वो उसको सलामत रहने की दुआ देता है ये दुआइया कलेमात हैं। इस्लाम से पहले अरबों के हां बाहम एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए एक दूसरे को दुआ देने के लिए हयाक اللہ, या कल्ला अहलन व सहलन मरहबन के लफ्स आम थे जिससे दूसरों को वेलकम किया जाता था सलाम का लफ्स भी मारूफ था लेकिन और भी बहुत से दुआया कलिमात उनके कल्चर में आम थे इस्लाम ने आकर वालेकुम को रवाज दिया और अगर देखा जाए तो आज भी दुनिया के बहुत से कल्चर्स में बहुत से मजाहिब में एक दूसरे को वेलकम करने के लिए बहुत से अल्फाज पाए जाते हैं मसलन अंग्रेजी जबान में लफ्ज हेलो, इसी तरह हिब्रो जबान में शलोम हिंदी में नमस्ते वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं लेकिन इनके मुकाबले में असलाम का लफ्ज़ जो है वो न सिर्फ ये कि एक वेलकम करने या ग्रीट करने का लफ्ज है बल्कि एक दुआ भी है जिसका माना क्या है कि तुम सलामत रहो तुम पर सलामती हो और अस्सलाम अल्लाह तला के नामों में से एक नाम भी है तो जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करता है तो वो दरअसल इस बात का इजहार करता है कि मेरे हाथ मेरे जबान और मेरे किसी भी किस्म के शर से तुम महफूज हो तुम्हें मुझसे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होना चाहिए और जो लफ्ज वो जबान से निकालता है वो लफ्ज भी इबादत बन जाते हैं जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ खैर खाही बरतता है तो दूसरी तरफ से भी उसको खैर खाही के जज्बात जवाब में मिलते हैं और देखा जाए तो अस्सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है नबी अलैहि वसल्लम का इरशाद है असलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है जिसको अल्लाह ताला ने जमीन में रख दिया है बस असलाम को आपस में फैलाओ गोया लफ्सलम जब हम बोलते हैं तो वो एक तरह से अल्लाह के नामों में से एक नाम बोल रहे होते हैं और उस नाम का विद करना इबादत भी है बायस खैर भी है और दुआ भी है रवायात में यह भी आता है हजरत अबू हुरर से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को पैदा किया तो उन्हें फरिश्तों की एक जमात के पास भेजा और हुक्म दिया कि जाओ और इनके बैठे हुए फरिश्तों को सलाम करो और सलाम के जवाब में जो दुआ वो तुम्हें दे उसे गौर से सुनना इसलिए कि ये तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की दुआ होगी चनाचे हजरत आदम फरिश्तों के पास पहुंचे उन्हें वालेकुम कहा उन्होंने जवाब में असलाम्का व रहमतुल्लाह कहा यानी उसमें रहमतुल्लाह का इजाफा किया कि तुम पर अल्लाह की सलामती हो और उसकी रहमत भी हो इससे पता चलता है कि सलाम का ये लफ्ज़ हजरत आदम सलाम की तखलीक के साथ ही उन्हें इब्तदाई तालीम और तरबियत के तौर पर दिया गया कुरान पाक में हजूर को मोमिनों के लिए सलाम की ताकीद की गई और आपके जरिए हमें भी ये तालीम दी गई सूरत में आता है वह मिनुन बयातना फकुल सलाम कि ए नबी जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं तो आप उनको कहिए कि सलामती हो तुम पर इसी तरह एक और हदीस में आता है हजरत अबू बरा बिन नाजिब रिवायत करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सात बातों का हुक्म दिया बीमार की मिजाज पुरसी का जनाजों के पीछे चलने का यानी उनमें शरीक होने का छींकने वाले की छींक का जवाब देने का यानी अरह्ला कहकर कमजोर की मदद करने का मजलूम की फरियाद रसी करने का और सलाम को फैलाने का और कसम दिलाने वाले की कसम पूरी करने का इससे यह पता चलता है कि सलाम करना मुसलमान की पहचान है इसी तरह एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक भी बनता है कि जब वो उसे सलाम करे तो वापस पलटकर उसको अच्छी तरह जवाब भी दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक ये है कि जब मुसलमान भाई से मिले तो उसे सलाम करे आपने मुसलमान के मुसलमान पर जो पांच हुकूक बताए हैं उनमें से एक हक सलाम करना भी बताया है कुरान पाक समय ये पता चलता है कि नेक लोगों की रूह निकालने के लिए जो फरिश्ते आते हैं वो आकर पहले सलाम करते हैं कुरान पाक में आता है कजालमुत्तिन तुमलाम उदुल ही जज़ा देता है अल्लाह मुत्तकी लोगों को उन मुत्तकी लोगों को जिनकी रूहे पाकिजगी की हालत में जब फरिश्ते कब्ज करते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर असलाम जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने आमाल के शिले में इसी तरह एक और आयत से ये पता चलता है कि जन्नत के दरवाजे पर जब जन्नती पहुंचेंगे तो जन्नत के दरबान आने वालों को पहले सलाम करेंगे वो सी कल तक अब इल जन्नति हता इधा जाउहा फुतहत अब्वाबुहा वक़ा लहुम खजन तुहा सलामकुम तिब तुम फुलू हा खालिदीन और जो लोग अपने रब से डरते थे उनके ग्रोह के ग्रोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे यहां तक के जब वो उसके पास आ पहुंचेंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो वहां के दरबान उनसे कहेंगे तुम पर सलामती हो तुम खुशहाल रहो तुम इस जन्नत में हमेशा के लिए चले जाओ तो गोया जन्नत में पहुंचते वक्त भी यही कलमा उनका करेगा। इसी तरह जन्नत में फरिश्ते हर दरवाजे से दाखिल होकर जन्नतियों को सलाम करेंगे मिन कुल बाब। बिमा दार। उनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे कहेंगे तुम पर सलामती हो उस सब्र के बदले में यानी जो तुमने दुनिया में किया क्या ही अच्छा बदला है इस दार आखरत का फिर अहले जन्नत आपस में भी एक दूसरे को सलाम करेंगे यानी अहले जन्नत का ये शार होगा गोया असलामकुम अहले जन्नत का कलमा है और दुनिया में भी क्या बताया गया कि जन्नत में जा नहीं सकते जब तक कि तुम सलाम को आम ना करो पाक में आता है दावा सुबह नकमय फी हा सलाम यानी अहल जन्नत की जबान से जो कलेमा जन्नत की नमतों को देख कर निकलेंगे वो क्या होगा सुबह अल्लाह दुनिया में भी जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें खुश करती है तो फौरन दिल से हमारे अल्लाह की तस्वीर बयान होती है इन दिल से निकलती है और फिर जबान से अदा होती है इसी तरह जन्नत में भी अहल जन्नत जन्नत की नेमतों को देख देख कर अपने रब को याद करेंगे और वह तहत सलाम और उनकी ग्रीटिंग्स वहां सलाम होगी आज हमें देखना चाहिए कि हम दुनिया में क्या इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस शार को हमने इख्तियार कर रखा है या इसके बदले में कुछ और लफ्ज तलाश कर रखे हैं अहले जन्नत वहां कोई लघ बात न सुनेंगे ला यी लगवीमा सलामन सलाम वहाँ वो कोई बेहूदा और लगव और गुनाह की बात न सुनेंगे बल्कि उनकी समात पर हर वक्त सलाम ही सलाम की आवाजें होंगी यानी सलाम ही सलाम हर तरफ फैला हुआ होगा और सबसे बढ़कर ये अल्लाह तला खुद अहल जन्नत को सलाम भेजेंगे इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सलाम कितनी वैल्यूबल चीज है कितनी कीमती चीज है कितनी खूबसूरत चीज है लेकिन अफसोस ये बहसीयत कौम हम इस कलमे से अजनबी होते चले जा रहे हैं या ये कलमा हमारे लिए अजनबी होता जा रहा है या हम असलाम कहने को कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझते और उसके बहुत से और अल्टरनेट या मुतबादल अल्फाज हमने इख्तियार कर रखे है जबकि उन अल्फाज का न तो कोई माना बनता है न उनमें कोई दुआ है और अगर कोई है भी दुआ मसलन किसी को देख के ये कहना कि जीते रहो तो महज जीने में तो कोई खैर नहीं जब तक कि सलामती ना हो सेहत और आफियत न हो इसी तरह सिर्फ अगर आप हेलो किसी को कह देते हैं तो हेलो लफ्स में कोई दुआ तो नहीं दे रहे तो इसलिए वो क़लिमा जो अल्लाह अहले जन्नत के लिए पसंद करते हैं और अहले जन्नत को खुद सलाम भेजेंगे क्यों ना हम अपनी इस जमीन को जन्नत बनाने के लिए बाहम इंसानों के ताल्लुक को खुशगवार बनाने के लिए इस कलमे को आम करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आपकी सुन्नत के मुताबिक इसको रवाज दे इसको कसरत के साथ अदा करें। करे पाक में आता है इन असहाबल इन्न असहाोहिन सलाम कौ रब रहीम, जन्नत वाले उस दिन ऐश के मशगलों में होंगे वो और उनकी बेगमात घने सायों में मुसहरियों पे तकिए लगाए बैठे होंगे उनके लिए जन्नत में हर किस्म के लजीज मेवे होंगे वहाँ वो सब कुछ होगा जो वो तलब करेंगे और रब्बे रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा अब सवाल ये पैदा होता है कि सलाम किस किस वक्त करना चाहिए सबसे पहले तो ये कि इंसान मुलाकात के वक्त एक दूसरे को सलाम करे और जो पहल करेगा उसका अजर ज्यादा होगा घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना चाहिए खा घर में कोई ना भी हो फिर भी आप कदम अंदर रखे तो असलाम जोर से पुकारे ताला ताला पाक में फरमाते हैं फा दखल तुम बुत फसलिकुम तहैया तम मुबारक का तुम तयबा बस जब तुम लोग घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो दुआए खैर है जो बाबरकत और पाकिजा है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिलशुदा है इसी तरह दूसरों के घर जाने से पहले भी सलाम करना चाहिए हजरत अनस फरमाते हैं आप ने फरमाया सरमाया बेटे जब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो सलाम करो इस तरह तुम्हारे घर वालों पर बरकत होती है इसी तरह जब आप किसी मजलिस में जाए जहाँ लोग इकट्ठे बैठे हुए पब्लिक प्लेस है लोग बैठे हैं तो वहां भी आप वालेकुम कहें नबी इरशाद है क्यामत के करीब लोग मजलिसों में सिर्फ मखसूस लोगों को सलाम करेंगे सबको नहीं करेंगे सिर्फ अपने जान पहचान वालों को करेंगे फिर इसी तरह यह है कि अगर आप मजलिस से उठे हैं और फिर वापस आए हैं तो दोबारा आकर भी आप सलाम कीजिए साहब कराम को सलाम का इतना शौक होता था कि बाबा बाजार महज इसलिए जाते थे कि एक दूसरे को सलाम करके नेकी कमा सके गोया अगर आप कहीं जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रास्ते में कोई भी मिलता है तो सिर्फ जान पहचान वाले को नहीं हर एक को सलाम किया जा सकता है और इसी तरह सलाम जब करे तो ऊंची आवाज में करे ताकि दूसरे को सुनाई भी दे नबी सल्लाम बाजू का तीन बार भी सलाम करते अगर जवाब न आता अगर कोई शख्स दूर हो तो हाथ के इशारे से भी सलाम किया जा सकता है हजरत असमा यजीद से रिवायत है कि आप एक दिन मस्जिद से गुजरे तो आपने हाथ के इशारे से सलाम किया हजरत से रिवायत है की कि मुझसे नबी सरमा ये जबरील है जो तुझे सलाम अर्ज करते है यानी वो सामने आपके तो नहीं आते थे लेकिन आपको सलाम भिजवाया तो हजरत आयशा कहती की मैंने भी जवाब में क्या कहा वह अलेम वह वराकात तो ये चंद चीजें थी सलाम के हवाले से जो आपके सामने रखी गई अब अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं कब कब सलाम नहीं करना चाहिए जहां सलाम करने के बहुत से फायदे हैं वहां बाज़ मकाम ऐसे हैं कि जब सलाम करने से परहेज करना चाहिए मसलन जब कोई आजान कह रहा हो अबेक्ष मस्जिद में दाखिल हो रहा है मोजिन जो है आजान कह रहे हैं तो दाखिल होने वाले को उनकी आजान डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए उस वक्त सलाम करना मना है इसी तरह जब लोग खुतबा सुन रहे हो जैसे जुमे का या ईद का मस्जिद में तो उस वक्त भी उनको सलाम नहीं करना चाहिए या किसी क्लास रूम में आप दाखिल होते हैं उस्ताद सबक पढ़ा रहा है तो उस वक्त सलाम नहीं होना चाहिए तालीम देने के दौरान फिर इसी तरह जब कोई लिख रहा हो यानी तालीम तो नहीं दे रहा खुद लिखने में मसरूफ है उस वक्त भी सलाम नहीं करना चाहिए क्योंकि एक शख्स के ख्याल बिखर जाते हैं अगर आप उसको इंटरप्ट करते हैं सलाम के जरिए फिर इसी तरह जब कोई खाना खा रहा हो क्योंकि हो सकता है कि वो पानी पी रहा है और आप उसको सलाम किए जा रहे हैं तो उस या तो वो पानी छोड़ देगा या ये कि पानी के दौरान अगर सर हिलाता है तो उसमें भी नुकसान का अंदेशा है इसी तरह जब कोई कजाय हाजत के लिए बैठा हो या वॉशरूम में हो नहारा हो या टॉयलेट में कोई हो तो उस वक्त भी सलाम नहीं करना चाहिए मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम पर्देदार खाती रास्ते से जब गुजरते हैं तो क्या जो हमारे जानने वाले मर्द हजरात होते हैं जैसे हमारे चौकीदार हैं ये क्या हम उनको सलाम कर सकते हैं जी हाँ उनको सलाम आप कर सकते हैं वैसे भी तो उनसे बात करते हैं मसला आप घर से निकल रहे हैं और आप उनसे कहते हैं कि आप गेट बंद कर लीजिए या ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी ले आइए तो जब दुनिया की और बात आप जरूरत की कर लेते हैं तो सलाम करने में भी हरज नहीं है जैसे वॉक पे हम जाते हैं तो जितने लोग मिलते हैं मर्द हो चाहे हो क्या हम सलाम कर सकते हैं उसमें देखा जा सकता है अगर फितने का अंदेशा ना हो या आप समझते हो कि इससे कोई बुराई नहीं फैलेगी तो फिर आप कर सकते हैं अदरवाइज अजनबी मर्दों को इस तरह राह चलते सलाम करने से परहेज कीजिए अगर हम किसी को सलाम करें और आगे से वो जवाब न दे तो फिर हम क्या करें उस सूरत में आप एक दफा और बुलंद आवाज से सलाम करें हो सकता है की वो शख्स मुतवजे ना हो या उसने आपका सलाम सुना ना हो क्यूँकि नबी सला से यह बात साबित है कि बाज तीन दफा तक सलाम करते थे अगर बार बार सलाम करने में शर्म महसूस कर रहे हो या उसका जवाब देने में तो इस हिचकचाहट को किस तरह दूर किया जाए बस हिचकटाहट तो काम करते रहने से दूर होती कोई भी काम या कोई भी रवाज पहली दफा जब डाला जाता है तो उस वक्त मुश्किल होती है लेकिन अगर आप करते रहें तो आसानी हो जाती है क्या सलाम के साथ मुसाफा भी सुन्नत से साबित है जी हाँ बिल्कुल सलाम के अलावा मुसाफा करना भी सुन्नत से साबित है बल्कि हदीस में आता है कि मुकम्मल सलाम ये है कि जबान से अल्फाज अदा करने के साथ हाथ भी मिलाया जाए और मुसाफे का सवाब ये भी बताया जाता है कि जब दो मुसलमान बाहम मुलाकात करते हैं और मुसाफा करते हैं तो इससे पहले के वो अलग हो उनको बख्श दिया जाता है एक और हदीस में आता है कि मुसाफा जो है वो युवह दिल के अंदर जो मैल आ जाती है किसी के बारे में या बदगुमानी आ जाती है तो उसको भी दूर करता है यानी बाहम ताल्लुका को अच्छा करने के लिए मुसाफा एक बहुत कारगर नुस्खा है यानी एक दूसरे से हैंड शेक करना मुसाफे के अलावा मुआनका भी होता है यानि जिसको गले मिलना कहते हैं और खासतौर पर जब कोई सफर से आए या दूर से आए या बहुत दिनों के बाद मुलाकात कर रहा हो तो उसका भी सबूत मिलता है हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अनहुमा एक मरतबा दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने दोनों को गले से लगा लिया हमारे यहाँ मोआनखा करते हुए सबसे बड़ी बात जो होती है वो यही होती है कि लोग कहते हैं कि भाई दाएं तरफ से शुरू करें तो इस बारे में क्या है कि मोएनखा करते हुए पहले दाएं तरफ से मिलना चाहिए क्योंकि अक्सर जब मैं किसी से मोयनखा करने लगती हूँ तो वो लोग यही कहते हैं आप कहा से शुरू करें आप लेफ्ट हैंडेड दाएं तरफ से शुरू करें तो इस बारे में क्या है असल बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम का आगाज दाएं जानिब से किया करते थे ठीक है ना मसलन कपड़ा पहनते वक्त जूता पहनते वक्त कंघी करते वक्त खाना खाते वक्त और इस बारे में ये भी कहते हैं कि आप अगर तो दाएं तरफ से शुरू करें तो पहले दाएं तरफ करें फिर बाएं तरफ जाएं फिर दोबारा दाएं तरफ आए तो क्या है क्यूँकी किसी भी काम को तीन दफा करने का तरीका भी मिलता है बाजफा सलाम करें तो उसका जवाब भी असलाम ही मिलता है तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए असल में असला का जवाब वालेकम है तो इसलिए मसनून तरीका यही है कि अल्लाम के जवाब में वाले को कहा जाए ना कि अल्लाम के जवाब में असला और बाद लोग तो सही लफ्ज़ भी अदा नहीं करतेम कह देते हैं तो अब यह असल अल्फाज नहीं है फिर यह मीनिंगस हो जाते हैं तो असलाम कहना ज्यादा बेहतर है जिसका मतलब भी बनता है आप देखिये ना असलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अब इसको अगर आप सलामा बना देते हैं तो क्या माना बनेगा हाँ या सामाईकुम कह देते हैं लाम बोलते ही नहीं है तो क्या माना बनेगा तो इसलिए दुरुस्त अल्फाज बोलने चाहिए और आखिर में आप सबसे यही कहूंगी कि इस सुन्नत को आम कीजिए इस नुस्खे को आजमा के देखिए और फिर आप खुद अपने बाहमी ताल्लुक में अपने खानदानों के अंदर अपने रिश्तेदारों के अंदर दोस्तों के अंदर एक बेहतरीन तब्दीली पाएंगे अल्लाह ताला हमें इस तरीके पर अमल की तोफी कता फरमाए व आखिर दावाना अनिल हमदुल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व अस्सलामु अलैकुम व